कि उससे जान बचाओ, लोगों को बचाओ और खेत बचाओ। तो मुख्यमंत्री खेत योजना क्यों रखी है उन्होंने, सुरक्षा योजना? कम से कम ये तो कहते ना, सांड खेत सुरक्षा योजना, तो इससे खेत भी बचते, लोगों को समझ में भी आता कि हमारे खेत की सुरक्षा के लिए योजना बन रही है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कृपा करके मुझे समझाने का काम करें। पशु रोग के लिए 195 करोड़ रुपए। अगर पशु रोग जो भी हैं, तमाम बीमारियां हैं, अगर छुट्टा जानवर ऐसी घूमता रहेगा जिसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मुझे कोई साइंटिफिकली ये बता दे, और किसी भी प्रोफेसर या वेटनरी जो डॉक्टर हैं या जो इस क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, कि जो छुट्टा जानवर है अगर उसका इलाज नहीं होगा तो बीमारी तो कंटिन्यू रहेगी। हम कितना भी रोकथाम करेंगे, तो हम अगर रोकथाम अपने घर मोहल्ले या जो हम डेयरी या अपने जानवर उनकी तो रोकथाम मान लीजिए सरकार या वैसे वैक्सीन से कर लेंगे अपने इलाज से। क्या इस स्कीम में जो छुट्टा जानवर घूम रहा है सड़कों पर, क्या उन जानवरों की भी इलाज का इंतजाम होगा इस स्कीम के माध्यम से कम ये सरकार बताए। ये सरकार कह रही है कि खरीफ विपणन परियोजनाओं के अंदर मक्का, बाजरा तथा ज्वार के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया है। और आपको याद हो, आलू के लिए इन्होंने बजट में रखा था पैसा, अगर इन्होंने 1 किलो भी आलू खरीदा हो तो बता दो, 1 किलो भी आलू। ये फसलें तो भूल जाइए, मक्का, बाजरा और सब भूल जाइए, जो